अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सहर। वेलकम टू आइडियल एकेडमी ट्यूटोरियल क्लास पार्ट वन चैप्टर नंबर टू। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आज हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर जिसे हमने कह दिया। उसकी टेल हमारे पास जो पॉइंट पी को शो कर रही है, और पॉइंट पी हमारे पास क्या है, -2 एंड -3। इसी तरह हमारे पास जो ए वेक्टर का जो हेड है, वहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है वो क्यू पॉइंट है, जो हमारे पास उसके पॉइंट्स हैं 3 एंड 9। अब हमने दोनों जो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर, वो हमने फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर में जब हम बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिजिट्स ही होते हैं, जो नंबर होते हैं, उनको हमने उनकी साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर के साथ हम डायरेक्शन भी बताएंगे। तो हमारे पास ये क्या है, -2 एंड -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, -2i -3j। आई और जे हमारे पास यूनिट वेक्टर है। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू की 3i + 9j आ जाएगी, ठीक है। अब हमने एक फाइंड करना है आर, जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। R इज़ इक्वल टू R2 हमारे पास क्या है, 3i + 9j आ जाएगा, यानी कि जो Q की वैल्यू है, Q माइनस P कर देंगे इन दोनों के। तो Q माइनस P को किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई, R इज़ इक्वल टू 5i + 12j। अब हमने पढ़ा था कि हम रिक्टेंगुलर अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो हम उसमें मैग्नीट्यूड को भी फाइंड करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड को भी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, R इज़ इक्वल टू √x² + y². तो R इज़ इक्वल टू 5 का स्केयर + 12 का स्केयर x² + y² तो ये हम करेंगे, तो हमारे पास 169, और ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो R हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया P और Q दो पॉइंट्स के दरमियान। अब हमारे पास जो सेकेंड वाला न्यूमेरिकल है, सेकेंड वाले न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, x और y दो एक्सिस हैं हमारे पास। ये हमारा ओरिजिन है, ओ पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, .00, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 एंड 1 इसके पॉइंट्स हैं, जो कि हमारे पास P है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। अब हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है, जो इंसेक्ट करता है उस कॉर्नर से, उस रूम के कॉर्नर से, ठीक है, वो हमने आर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो R इज़ इक्वल टू 2i + j आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है इसमें भी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जोन सा आर है, इसकी क्या आ जाएगी, R इज़ इक्वल टू √x² + y² R इज़ इक्वल टू √2 का स्केयर + 1 का स्केयर। तो R इज़ इक्वल टू √4 + 1। तो आर हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर आर की आ जाएगी √5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पोजीशन वेक्टर ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या था, 2i + j। अब हमने उसकी ही मैग्नीट्यूड, इसी वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, तो हमारे पास आर जो है वो आ गया √5। थर्ड जो न्यूमेरिकल है, उसमें हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है। तो हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, A इज़ इक्वल टू 4i + 3j। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो जो हमारे पास वेक्टर होता है, जो भी हमारे पास एक वेक्टर है ए है, इसका हमने यूनिट वेक्टर लेना है, तो हम इसके ऊपर कैप डाल देंगे। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो होता है, A कैप इज़ इक्वल टू A वेक्टर ओवर A मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं, A इज़ इक्वल टू √x² + 5 स्केयर। तो हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 और 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गई, इस वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो A कैप इज़ इक्वल टू A वेक्टर हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, 4i + 3j ओवर हमारे पास A जोन सा है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, जो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की है। इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल है, फिफ्थ वाले न्यूमेरिकल में हमारे पास है कि अगर दो वैक्टर्स हैं, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड भी करना है, और उसका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हमने ऐड किया तो वो 6i + j आ गया, अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आया। अब हमने इसकी इसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, जो कि वेक्टर ए है, सिंपल ए वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 दोनों को ऐड कर देती हूँ। जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2A इज़ इक्वल टू 2i + 8j आ गया। अब मैंने क्या करना है कि A इज़ इक्वल टू i + 4j आ गया सॉल्व करके, इसी की अब हमने मैं क्या करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। A इज़ इक्वल टू 1 + 4 का स्केयर, तो 1 + 16 किया तो मेरे पास 17 आ गया। तो ये मेरे पास आ गई उसकी मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर जो ए वेक्टर था हमारे पास, यानी कि यहाँ था a + b और a - b, सिंपल a की मैंने
वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, जो कि मेरे पास क्या आ गई, अंडर रूट 17। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इसमें किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।